भाइयों और बहनों, ये इंडी गठबंधन वाले अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बिहार और बिहारियों के अपमान के खिलाफ आवाज तक उठाते नहीं हैं। कांग्रेस के पंजाब के नेता ने बिहार से वहां काम करने गए, वहां मेहनत करके ईमानदारी से जीवन जीने वाले हमारे बिहारी मजदूर भाई बहनों का घोर अपमान किया, भद्दे शब्दों में अपमान किया, कहा अब हम उन्हें बिहारियों को पंजाब में घर नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मिनिस्टर ने कहा है, कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके विषय में मुंह पे ताला लगा दिया है। क्या कभी कांग्रेस के शाही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहार से माफी मांगी क्या? बिहारियों से माफी मांगी क्या? और ये इनको लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। साथियों, इंडी गठबंधन के एक साथी डीएमके के नेता ने बिहारियों के लिए बद्दी बद्दी गालियां बोली। तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बिहारियों को भला बुरा कहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आए दिन बिहारियों को गालियां देती हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने उनके मुंह से इन लोगों को उनके खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। इन लोगों को आपके स्वाभिमान की चिंता नहीं है, इनको बिहार के गौरव की चिंता नहीं है, इनको बिहार के होनहार नौजवानों के प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है, उनको सिर्फ आपके वोट छीनना है। उसके लिए भांति भांति की भाषा का उपयोग करते हैं। इनके लिए बिहारियों का सम्मान कोई मायने नहीं रखता।